दोस्तों स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोज पे। आस्क ऑटोमोटिव का एक बहुत बड़ा IPO यहाँ पे आ रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, या फिर अगर देखेंगे तो मतलब इसका जो IPO है आस्क ऑटोमोटिव IPO का, तो इसमें बोलते कि किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसका बिजनेस क्या है, इसको रेवेन्यू कितना आता है मार्केट से, इसके बिजनेस से, तो बहुत सारे अपडेट्स हैं आस्क ऑटोमोटिव को लेकर। हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से वो आपके साथ शेयर किया जाए। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। करते स्टॉक की बात है दोस्तों, आस्क ऑटोमेटिव IPO जो ये आ रहा है एक बहुत बड़ा IPO है, और यहाँ पे थोड़ा हम लोग मतलब डिटेल्स समझते हैं इस कंपनी को लेके। इस कंपनी को जो है 1988 में बनाया गया था, एंड इसका अगर देखेंगे तो एक मैन्युफैक्चरिंग है जो कि एडवांस बैंकिंग सिस्टम में है, और जहाँ पे टू व्हीलर्स का ये एक मैन्युफैक्चरिंग है। तो अभी यहाँ पे आस्क ऑटोमोटिव का जो ये यहाँ पे IPO आ रहा है, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है क्या, तो इसका अगर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मार्केट शेयर है आप देख सकते हैं, ये एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ ब्रेक शो एंड एडवांस्ड बैंकिंग सिस्टम फॉर टू व्हीलर्स इन इंडिया तक। यहाँ पे कंपनी का देखते हैं मार्केट शेयर जो कि 50% था फाइनेंशियल 2023 में इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम फॉर OEMS एंड ब्रांड इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट, ब्रांडेड इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट। तो ये समझ सकते हैं कि मार्केट में जब 50% इसने बिजनेस लेके बैठा है, मार्केट का शेयर जो इसके पास 50% है, तो बहुत बड़ा ये बोल सकते हैं कि बिजनेस लेके बैठा है मार्केट में। अभी इसका जो पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट का, पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं जहाँ पे एवी सिस्टम जो कि 38% है ऑफ फाइनेंशियल ईयर Q1 2024 रेवेन्यू का। अभी यहाँ पे एलुमिनियम लाइट वेट प्रिसीजन का देखते हैं जो कि 43% है, व्हील असेंबली का 13.5% है, सेफ्टी कंट्रोल केबल्स का 3.54% है, सेफ्टी कंट्रोल केबल्स का। तो अभी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करते हैं आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड का, तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में देख सकते हैं इसके पास लगभग 15 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है अक्रॉस 5 states इन इंडिया। तो 5 ऐसे स्टेट्स है इंडिया में जहाँ पे इसके 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, 15 जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं मतलब एज ऑफ जून 2023 का, जहाँ पे ये बहुत सारे बोल सकते हैं कि 15 मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर करता है। और कंपनी का देखते हैं तो कमेंस जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एज इट 16th मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि राजस्थान में है इन जुलाई 2023। इन एडिशन इट्स जॉइंट वेंचर ऑपरेशंस 1 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन गुड़गांव हरियाणा। तो अभी यहाँ पे इसका देखते हैं दोस्तों आस्क ऑटोमोटिव सप्लाइज का, जो कि सप्लाइज टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स लाइक HMSI, HMCL, सुजुकी, TBS, यामाहा, बजाज, रॉयल एनफील्ड, ये सब जो कंपनीज है मतलब जो बड़े बड़े टू व्हीलर्स के कंपनीज है, इसको ये प्रोडक्ट सप्लाई करता है मैन्युफैक्चर करके। इट ऑल्सो सप्लाइज इन आफ्टर मार्केट एंड एक्सपोर्ट मार्केट। तो यहाँ पे देखिए कुछ बड़े बड़े कंपनीज है जहाँ पे बोल सकते कि जो टू व्हीलर्स के हैं, HMSI है, HMCL है, सुजुकी, TBS, यामा, बजाज, रॉयल एनफील्ड, ये सब कंपनीज को जो ये सप्लाई देता है प्रोडक्ट्स। अभी यहाँ पे देखेंगे यूजर इंडस्ट्रीज का, यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे कंपनी जो है द ऑटोमोटिव सेक्टर जो है फॉर TWS, थ्री व्हीलर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड द नॉन ऑटोमेटिव सेक्टर फॉर ऑल टेरियन व्हीकल्स, पावर टूल्स एंड आउटडोर इक्विपमेंट्स। अभी यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स का देखते हैं कंपनी का जो है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्टनर में जो एंटर किया है एक लाइसेंस एग्रीमेंट हुआ है जो कि हुआ है ग्लोबल कंपनीज के साथ, जहाँ पे जापानीज मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एस्बेस्टोस फ्री ब्रेक शो सप्लाई फॉर टू डब्ल्यू मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली एंड यहाँ पे NUCAP इंडस्ट्रीज के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग हुआ है जो कि कनाडा बेस्ड कंपनी है। उसके बाद देखते हैं तो सेफ्टी कंट्रोल केबल इंडिया के साथ हुआ है जो कि इंडिया कंपनी के साथ हुआ है, SCC मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ऑटोमोबाइल AMs। तो ये समझ सकते हैं इसका जो बिजनेस है बहुत बड़ा बिजनेस है। और बात करते हैं इसका जो पार्टनर्स है, बहुत सारे अभी फिलहाल अभी पार्टनर्स देखने को मिल रहा है जहाँ पे जापान में भी है, कनाडा में भी है। तो अभी यहाँ पे फोकस देखते हैं जो इसका EV सेगमेंट में ये फिलहाल अभी फोकस कर रहा है, EV सेगमेंट का
देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे टू लेवरेज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन डिमांड फॉर 2WEVs, द कंपनी हैज 11 न्यू प्रोग्राम्स अंडर डेवलपमेंट फॉर द ईवी सेक्टर दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन Q2 फाइनेंशियल 2024। तो फिलहाल दोस्तों ये ईवी सेक्टर में भी यहाँ पे हाथ ले रहा है, जहाँ पे बोल सकते कि मतलब ऐसे 11 नया प्रोग्राम है जहाँ पे ये ईवी सेक्टर में काम कर रहा है। एंड रेवेन्यू की बात करते रेवेन्यू का देख सकते हैं यहाँ पे, जब द कंपनी ड्राइव्स मोर देन 50% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम टॉप 3 कस्टमर्स, इट्स टॉप कस्टमर कंट्रीब्यूटेड 35% टू फाइनेंशियल 2023। तो इसके पास मतलब यहाँ पे बोल सकते कि 3 ऐसे कस्टमर्स हैं जहाँ पे बोल सकते कि जहाँ से इसको 50% रेवेन्यू आता है। तो ये एक चीज़ दोस्तों, जहाँ पे सिर्फ 3 ऐसे कस्टमर्स हैं जहाँ से इसको 50% रेवेन्यू आता है, तो बड़े कस्टमर्स वो है जहाँ से इसको अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि कस्टमर जो है यहाँ पे टॉप कस्टमर जो है लगभग 35% रेवेन्यू दिया है फाइनेंशियल 2023 में, एंड सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यू इट्स एट्रीब्यूटेड टू द इंडियन टू व्हीलर ऑटोमेटिव सेक्टर इन फाइनेंशियल 2023, टू व्हील्स कंट्रीब्यूटेड 90.65% ऑफ इट्स रेवेन्यू। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि कंपनी जो है आस्क ऑटोमेटिव लिमिटेड, ये एक 50% का जो है यहाँ पे मार्केट शेयर लेके बैठा है टू व्हीलर्स में। अभी टू व्हीलर्स में इसके साथ बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उसका पार्टनरशिप है जहाँ पे ये सप्लाई करता है प्रोडक्ट। अभी ये जो IPO आया है या फिर IPO आ रहा है जो कि 834 करोड़ का है, तो ये 834 करोड़ का ये IPO बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा IPO आया है यहाँ पे, जहाँ पे हो सकता है कि कंपनी आगे चल के इसके जो बिजनेस है, जैसे कि इसके फिलहाल अभी 15 मैन्युफैक्चरिंग हब है और उसको आगे और ग्रोथ किया जा रहा है, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ाया जा सकता है और इसके बिजनेस को भी बढ़ाया जा सकता है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कंपनी का थोड़ा इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे बोल सकते कि कंपनी जो है यहाँ पे इसके मतलब इस इंडस्ट्री में अगर देखते हैं तो बहुत सारे आपको कंपनीज मिल जाएंगे इस इंडस्ट्रीज में। तो जो मार्केट में अभी देखेंगे तो अच्छा खासा इसका भी बिजनेस है। तो जैसे कि अभी ये जो आस्क ऑटोमेटिव है इसका 50% बिजनेस है मार्केट में, तो अभी हो सकता है कि दोस्तों ये जो IPO यहाँ में कोई लेता है IPO में, जैसे कि अगर देखेंगे जब भी बहुत सारे IPOs आते हैं मार्केट में, तो ऐसे बहुत सारे IPOs में देखने को मिलता है जहाँ पे IPO आने के बाद शेयर के प्राइस में गिरावट बनता है। तो ये कंपनी बोल सकते कि बहुत ही पुराना कंपनी है, 1988 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और उसके बाद ये मार्केट में अच्छा एक शेयर लेके बैठा है। तो फिलहाल अगर यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आगे चल के इसमें एक प्रॉफिट भी बने और इसमें गिरावट भी बने। तो अभी यहाँ पे अगर देखेंगे मतलब तो बिजनेस है उसमें मार्च 2022 में जो है कंपनी को लगभग जो सेल्स हुआ था वो था 2013 करोड़ का, और वो बढ़ के जो है मार्च 2023 में जो इसको प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 2555 करोड़ का। तो सेल्स ग्रोथ इसमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं 1847 करोड़ हुआ था और वो बढ़ के 2325 करोड़ के आसपास हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं 166 करोड़ के आसपास हुआ था और वो बढ़ के 231 करोड़ हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं दोस्तों जहाँ पे इसका ईयरली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करते हैं दोस्तों इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो कि 113 करोड़ के आसपास था और वो बढ़ के 170 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 83 करोड़ था ईयरली एंड जो बढ़ के मतलब ईयर में जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 123 करोड़ के आसपास हुआ है। तो सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों। तो हो सकता है कि ये शेयर जो है मतलब अगर देखेंगे मार्केट में लिस्ट होने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा एक गेन देखने को मिले शेयर के प्राइस में। आपको क्या लगता है आस्क ऑटोमेटिव को लेकर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि कोई भी शेयर को खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, कोई भी शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोवेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।